सलमान ने दिया आलिया भट्ट को धोखा। जी हां, आलिया भट्ट अब से कुछ समय पहले तक हवा में थी। कारण था सलमान खान के साथ उनकी संजय लीला बंसाली की फिल्म इंशाल्लाह। लेकिन फिर इंशाल्लाह से सलमान खान ने टाटा बाय बाय कर लिया और फिल्म डिब्बा बंद हो गई, जिसका सबसे बड़ा नुकसान अब आलिया भट्ट को होता दिख रहा है। दरअसल आलिया भट्ट ने सलमान खान की फिल्म इंशाल्लाह के लिए आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का त्याग कर दिया था। इसके अलावा आलिया ने कई और बड़े प्रोजेक्ट्स को भी ना कर दिया था, क्योंकि भंसाली को उनकी पूरी डेट्स चाहिए थी। इसलिए जैसे इंशाल्लाह डिब्बा बंद हुई, आलिया के पास डेट्स ही डेट्स थी और उनके सारे बड़े प्रोजेक्ट उनके हाथ से जा चुके थे। ये बात आलिया ने भंसाली को साफ साफ बताई। यही कारण था कि संजय लीला भंसाली ने अपनी अगली फिल्म गंगूबाई काठवाड़ी से प्रियंका चोपड़ा को रिप्लेस कर आलिया भट्ट को जगह दे दी। फिलहाल आलिया के पास कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ प्रोजेक्ट्स की अफवाहें हैं। वहीं दूसरी ओर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की बात करें तो ये एक हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम का हिंदी रीमेक होने वाला है, जिस फिल्म में आमिर खान का काफी बेहतरीन तरीके से अंदाज लोगों के सामने पेश होगा। इसी फिल्म के लिए आमिर के अपोजिट आलिया भट्ट को फाइनल किया गया था, लेकिन आलिया भट्ट सलमान खान के साथ फिल्म करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड चल रही थी और इसी एक्साइटमेंट की वजह से अब आलिया भट्ट का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। आलिया भट्ट सलमान खान के साथ फिल्म इंशाल्लाह करने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक लग रही थी, इसीलिए उन्होंने पूरी तरीके से इस फिल्म पर फोकस लगाने के लिए बाकी सभी प्रोजेक्ट्स को ना कर दिया था। यहाँ तक कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को भी ना कर दिया था।